जादू यकीनन आपके पास ज्यादा है, मगर अकल हमारे पास ज्यादा है। आज के बाद इंसानों का जादू देख के हंसी तो नहीं आएगी बढ़िया पको। खुल जा सिम 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 सिम। सिम गुफा की पहरेदार है, वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। अबू ये क्या है? आप तो कह रहे थे सिम गुफा से बाहर नहीं आ सकती। ये सिम नहीं है, 40 चोर हैं। तुम बाहर रुको, देखो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? जी अबू। जाओ। कि हमें रोक पाना नामुमकिन है, भूल गए कि तबाही फैलाना हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा शौक भी है और आदत भी। तुम्हारी इन्हीं गंदी आदतों को दुरुस्त करने आया हूं मैं इब्लीस। पिछली दफा जब तुम गुफा में आए थे तो क्या हुआ था? तुम्हारे सामने तुम्हारी हसीन नाजुक बीवी की रूह को उसके जिस्म से रिहा किया था हमने, और फिर भी वापस तुम गुफा में आए, वो भी तालिस्मान लेने के लिए। अब किसे खोने आए हो? तबाही। जब तक आसमान में चांद सलामत है पत्थर की कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार। अमन फैलाना मेरा सिर्फ मकसद ही नहीं, शौक भी है और आदत भी। लड़ा तो इंसान से जा सकता है मुस्तफा, शैतान से नहीं। अबू!
अब किसे चुनेगा तू? तेरे काबुल की आवाम को या अपनी औलाद को? रख मेरे कदमों पर तालिस्मान। नहीं अबू, उसे वो तालिस्मान मत दीजिएगा। क्या कहा था मैंने इब्लीस? जादू तुझे भी आता है, जादू मुझे भी आता है, लेकिन फर्क है तो सिर्फ नियत का। तेरी जगह इस खूबसूरत जमीन पर नहीं, दोज़ख में है, दोज़ख में है, दोज़ख में है। तेरी जान बसती है ना इस तिलिस्मान में, ना रहेगा ये तिलिस्मान, ना रहेगा तू। जब तक रहेगा तलिस्मान टुकड़ों में, तब तक रहेगी तेरी शैतानी रूह दोज़ख में। काबुल का मुकद्दर तेरे हाथ में है बेटे। जो मैं न कर सका, वो तू करेगा, तू मुझसे भी बड़ा जादूगर बनेगा, जाबाज, काबुल का पहरेदार, अली, तू लिखेगा, दास्ताने काबुल। तू लिखेगा दास्ताने काबुल, फिर वही ख्वाब, वही झलकियां, वही आवाज। मैं लिखूंगा दास्ताने काबुल, क्या मतलब इन सबका? दादी, 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 मुझे फिर से वही ख्वाब आया। दादी, फिर से वही ख्वाब दादी, वही झलकियां, वही घुड़सवार, वही गुफा, बार बार एक ही आवाज के मैं लिखूंगा दास्ताने काबुल। खलल दरार के मायने क्या हैं दादी? दादी, एक दिन आपकी हर बात का मतलब समझ के रहूंगा दादी। जब तक आसमान में चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे सारे गुनाहगार। दरारे खला अब पड़ने वाली है दरार इस चांद पर, और इंसानों के मुकद्दर पर।
मेरे नूरे नजर। अब बहुत जल्द आप फिर से जिंदा हो उठेंगे। आज तक किसी इंसान ने ऐसी हिमाकत नहीं की होगी कि उसकी बदौलत शैतान खुद बुत बना पड़ा हुआ है। पर मेरे नूरे ने कहा, उस इंसान को इस बात का इल्म नहीं था कि आपके और मेरे बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं, इबादत है। और अब इस इबादत की ताकत पूरा काबुल देखेगा। एक बात कहे बिरादर, कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। उस मामूली गली के मामूली से कीड़े ने, क्या नाम था उसका? अली बाबा। अली बाबा, उसके तो नाम से ही मेरे मुंह में कड़वाहट सी आ जाती है। बिरादर, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। आज उसे शाही सड़क का शामियाना बनाने का एक ठेका मिला, कल उसे दूसरा मिल जाएगा। और पता चला वो यहीं आके बस गया। फिर क्या फर्क रह जाएगा शाही सड़क और मामूली गली के लोगों में? हाँ, ये जो फर्क है ये दौलत का नहीं, तासीर का है। ये फर्क ऊपर वाले ने बना के भेजा है, जो कोई बाबा मिटा नहीं सकता। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं, क्या हम एक लम्हे के लिए सदर शाही सड़क से गुफ्तगू कर सकते हैं? क्यों, कोई तकलीफ? वैसे भी बगैर तकलीफ के कोई सदर शाही सड़क के पास आता कौन है? अब्बा जान, कहते हुए शर्म आती है तुम्हें? दिल की घर की तबीयत की तकलीफ की बात करनी होती तो अपने अब्बा जान से ही करता, पर यह तकलीफ सिर्फ सदर शाही सड़क जिया अब्दाली ही सुलझा सकता। ठीक है, बयां करो। इस तकलीफ को पैदा करने वाला मामूली गली का बहुत ही मामूली सा कीड़ा अली बाबा है, लेकिन इसका असर जिन पर पड़ेगा वो है काबुल शाही की शहजादी मरियम। कुछ तो राज छिपा रहा है वो, वरना कहां मामूली गली का अली बाबा और कहां काबुल की शहजादी मरियम। शहजादी के कमरे में धूप आई कैसे? क्या रोज आप लोगों को बताना पड़ेगा कि धूप आने से पहले पर्दे गिरा दिए जाएं? कनीजों को अपने नसीब पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। हो 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 दाईजान, इतना भी कुछ गलत नहीं हुआ है। और हमें भी क्या आपको ये रोज बताना पड़ेगा कि आप इन्हें कनीज ना बुलाएं? इनके वालदाई ने इतने खूबसूरत नाम रखे हैं इनके, इनकी पहचान से इन्हें महरूम ना करें। बानो, जोया, आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोम सा दिल है हमारी दाएं चौका। शहजादी, आपने इन कनीजों को सर पर चढ़ाया हुआ है। शहजादी, शहजादी, सुबह बखैर दारा गाजी। पर्दे गिराए। Thank you.
शहजादी या अल्लाह आइए। आफताब आफताब जल्दी से मरहम लाइए जल्दी। हमारी फूलों से ज्यादा नाजुक शहजादी की राह में ये जरी कैसे आई? दाईजान मामूली सी खरोच है, आप इतनी फिक्र ना किया करें हमारी। आपकी सेहत और आपकी खुशी हमारी जिम्मेदारी है शहजादी, हम फिक्र कैसे ना करें। इतना वक्त लगता है आपको मरहम लाने में। माफी शहजादी, माफी। कोई बात नहीं आफ्ताब, वैसे कल से आप महल में दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे आप? जी मैं अभी अभी आया हूँ, मेरा पड़ोसी मेरा खास दोस्त मकसूद बेहोश हो गया था। बेहोश हो गए थे, कैसे? उनके पास नान तक नहीं था खाने को। अरे तो नान नहीं था तो शीरमाल खा लेते, बिरयानी खा लेते, ऐसी भी क्या जिद हुई? शहजादी आप बहुत भूली, बाहर की दुनिया और महल की दुनिया बहुत अलग है, हर किसी को खाना नसीब नहीं होता। इनके कहने का मतलब ये था कि इनके दोस्त के पास काबुल के कुछ गरीब लोगों की तरह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये तो गलत है दाईजा, खाने जैसी बुनियादी जरूरत तो सबको मुहैया होनी चाहिए। हमारे काबुल में लोग भूखे सो रहे हैं और हमें इस बात का इल्म तक नहीं। दारा गाजी आप शाही खजांची से कहें कि काबुल के हर गरीब के नान और बिरयानी पहुंचाई जाए। आजी सोने जैसा दिल है हमारी शहजादी का, परियों जैसी नासुक है। बाहरी दुनिया की खौफजदा सच से बिल्कुल अनजान, अल्लाह ना करे इन्हें कभी भी बाहरी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आ गया है इंसान की नस्ल को खत्म करने का। हलल दरा आ गया है वक्त अधूरी किस्मतों के मिलने का, दो हिस्सों के जुड़ने का। हलल दरा